हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बॉलीवुड में बिग बॉस के घर जाने से भी लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें बॉलीवुड को। दोस्तों, कॉलर ऑफ द वीक का कॉल किसके लिए आया है और क्या कुछ उन्होंने कहा है और क्यों क्लास लगाई है उन्होंने सिद्धार्थ और शहनाज की वजह से आसिम रियाज की, बता दूं आपको कि क्या कुछ हुआ है वीकेंड के वार पे कॉलर ऑफ द वीक के थ्रू। उससे पहले दोस्तों, अगर आप सिद्धार्थ और आसिम से करते हैं सिद्धार्थ को सपोर्ट, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट सिद्धार्थ के लिए जरूर दिखाएं। साथ ही साथ दोस्तों, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए कि आप कॉलर ऑफ द वीक के बातों से सहमत हैं या नहीं। दोस्तों, आप सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट सिद्धार्थ के लिए जरूर दिखाएं। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस वीकेंड के वार पे कॉल आसिम रियाज के लिए आता है। हमने पिछले 2-3 वीकेंड के वार पे देखा था कि लोग सभी ने पॉजिटिव कॉलर नहीं कॉल किया था, सिर्फ अपने अप्रिशिएट किया था। लेकिन दोस्तों, इस वीक कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसके बाद कॉलर ऑफ द वीक को कॉल किया है और उन्होंने किया है आसिम रियाज के लिए कॉल। दोस्तों, उन्होंने आसिम रियाज की क्लास लगाई है और उन्हें कहा है इस बात को कि आपको जब शहनाज आपके तरफ से खेलती है तो आपको अच्छा लगता है और आप उनके साथ रहते हैं फिर, और आपको जब वो गेम में सपोर्ट करती है तो आपको अच्छा फील होता है। लेकिन जब वो जैसे ही वो सिद्धार्थ के पास जाती है या सिद्धार्थ की तरफ खड़ी होती है तो आपको फिर बुरा लगने लगता है, या उनकी तरफ से बोलती है तो ये आपको फिर फील होता है कि आपके साथ गलत हो रहा है। जब वो आपके लिए खेलती है, आपके साथ खेलती है, तो आपको फील अच्छा हो रहा होता है। तो ऐसा क्यों होता है कि आपका समय समय पर शहनाज के लिए आपको गुस्सा आता है, कभी शहनाज को आप अपने साथ रखना चाहते हैं, और ये सभी चीज़ें आप सिद्धार्थ की वजह से करते हैं क्योंकि सिद्धार्थ आपके कहीं ना कहीं राइवल हैं। तो आपका क्या इसमें ट्रैक है? तो उन्होंने दोस्तों उसके बाद कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की, जिस बात पे सलमान खान ने एग्री किया कॉल ऑफ द वीक के साथ कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है आसिम रियाज के साथ। दोस्तों, आपका क्या है कहना है इसके बारे में, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूले। अगर आप सिद्धार्थ के सपोर्टर्स हैं, फर्दर अपडेट्स लिए देखते रहे बॉलीवुड, हंसते रहिए हंसाते रहिए।